हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास नंबर 31 और आज का टॉपिक है आपका मेजर ऑफ गवर्नमेंट बजट। चैप्टर नंबर 10 आपका चल रहा है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। और आज के टॉपिक में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो गवर्नमेंट बजट तैयार करती है और उस गवर्नमेंट में जब गवर्नमेंट के बजट का डेफिसिट निकल के आता है। डेफिसिट का मतलब आप समझिए, जैसे मैंने आपको शुरू में जब हमने बजट के बारे में पढ़ना शुरू किया था तो मैंने वहाँ पर आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक फैमिली के लिए जो फादर होते हैं, जो ब्रेड अर्नर होते हैं, वो फैमिली के लिए बजट बनाते हैं हर महीने का कि अगले महीने में, जैसे मार्च के महीने में अप्रैल का बजट बनाया जाता है, फरवरी के महीने में मार्च का बजट। तो जिस महीने का बजट बनाना होता है उसके कुछ दिन पहले हम क्या करते हैं, पिछले महीने में आगे आने वाले महीने का बजट तैयार करते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक फादर अपने बजट बनाने जा रहे हैं अपने अगले महीने का, मार्च के महीने में अप्रैल मंथ का। तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि भाई मेरे अगले महीने में मुझे कहाँ कहाँ से पैसा मेरे पास आना है और मुझे उसको कैसे कैसे खर्च करना है। मान लीजिए जब उन्होंने पूरा सिस्टम बनाया, पूरा चार्ट बनाया, स्टेटमेंट बनाई, तो उसमें पता चला कि उनके पास इनकम आनी है 30,000 रुपये, खर्चा होना है 35,000 रुपये का। सारा उन्होंने लगा लिया हिसाब कि कहाँ कहाँ फंक्शन में खर्चा होना है, बच्चों के ऊपर कितना खर्चा होना है, फैमिली में ग्रॉसरी का खर्चा कितना होना है, वगैरह वगैरह। तो उनका एक्सपेंडिचर जो है वो उनकी इनकम से ज़्यादा जा रहा है। तो इसका मतलब उनका क्या हो रहा है, उनका जो बजट बना रहे हैं उसमें उनका घाटा आ रहा है। घाटा मतलब नुकसान जा रहा है, मतलब उनको एक्सपेंडिचर उनका इनकम से ज़्यादा जा रहा है। तो उस केस में जो 5,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, 35,000 रुपये का खर्चा और 30,000 रुपये इनकम अगले महीने उनके पास ऐसे इस तरीके से होने वाली है, तो उस 5,000 रुपये के जो नेगेटिव बैलेंस आएगा एक्सपेंडिचर का, इनकम की एक्सपेंडिचर का एक्सेस होना इनकम की वजह से, इनकम के इनकम से एक्सपेंडिचर का एक्सेस होना, वो आपका क्या कहलाएगा, डेफिसिट कहलाएगा। अब उस डेफिसिट को कवर करने के लिए वो 5,000 रुपये का आपने जो खर्चा करना है, जो 5,000 रुपये आपके पास कम पड़ रहे हैं, उसके लिए क्या करेंगे फादर, जो आपके बैंक में सेविंग पड़ी है या तो वो उसको यूज़ करेंगे या फिर वो अपना कहीं ना कहीं से उस 5,000 रुपये को बोरो करेंगे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब, आपको समझाने का मतलब जो था वो डेफिसिट था। डेफिसिट का मतलब होता है जब हम प्लानिंग करते हैं अपने आगे आने वाले टाइम के लिए और हमारी जो प्लानिंग है, हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो डेफिसिट कहलाता है। तो डेफिसिट को किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर डेफिसिट आ ही गया है तो उसे हम कैसे अरेंज करेंगे, उस जो हमारा एक्सेस एक्सपेंडिचर है उसको किस तरीके से पूरा करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेफिसिट के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, शुरुआत द्वारा, हालांकि मैं थर्ड क्लास नंबर 30 में पार्ट 1 पार्ट 2 में बता चुका हूँ। गवर्नमेंट बजट के दो कंपोनेंट होते हैं, बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। तो अगर आपका बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट से ज़्यादा जा रहा है तो उसे हम डेफिसिट बजट बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि आपका खर्चा आपकी इनकम से ज़्यादा जा रहा है और आपको और फंड की ज़रूरत है, या तो आपको खर्चों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है और खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे तो आपको पैसों की ज़रूरत है। और अगर आपका बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट से कम जा रहा है तो उसको हम सरप्लस बजट बोलते हैं। और सरप्लस बजट का मतलब ये होता है कि आपकी इनकम आपके खर्चों से ज़्यादा है, तो जो ये सरप्लस बजट गवर्नमेंट के पास बचता है, तो सरप्लस बजट का गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी गवर्नमेंट के पास सरप्लस बचता है, जो पैसा बचता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट उसे अपनी जो बोरोइंग्स होती हैं, जो लोन गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर लिया होता है या और किसी भी फॉरेन कंट्री से लिया होता है, तो उनके लोन की रिपेमेंट करने में गवर्नमेंट उसे यूज़ करती है। अब जैसे मान लीजिए फादर ने बजट बनाया, तो फादर ने जब बजट बनाया तो मान लीजिए फैमिली में, तो पता चला कि उनके पास 10,000 रुपये बच रहे हैं इनकम में से सारे खर्चे निकालने के बाद, तो वो 10,000 रुपये का फादर क्या करेंगे, या तो वो क्या करेंगे, उन्होंने कभी बोरोइंग्स ली होंगी, किसी से पैसा उधार लिया होगा तो वो उनको लौटा देंगे, या फिर बैंक में सेव कर देंगे। तो गवर्नमेंट भी यही करती है, अगर गवर्नमेंट ने कोई लोन लिया हुआ तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने सरप्लस बजट में से लोन की रिपेमेंट कर देगी या फिर वो पैसा आरबीआई के पास जमा करा देगी। उसके बाद जो तीसरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन आमतौर पर बहुत ही कम देखने को मिलती है, जब बजट एक्सपेंडिचर बजट रिसिप्ट के बराबर होता है, जिसे हम बैलेंस बजट बोलते हैं। ये सिचुएशन बहुत ही कम होती है, क्योंकि ज़्यादातर सिचुएशन यही होती है कि एक्सपेंडिचर या तो इनकम से ज़्यादा होंगे या इनकम एक्सपेंडिचर से ज़्यादा होगी। तो चलिए हम ना एक एग्जांपल की हेल्प से, हम तीन तरह के डेफिसिट्स होते हैं हमारे, जो हमारी बजट स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें डेफिसिट को तीन तरीके से दिखाया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तीन तरह के डेफिसिट शो होते हैं हमारी एक ही स्टेटमेंट में, जब हम स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तीन तरह के बजट होते हैं हमारे जो बजट एनुअल स्टेटमेंट में दिखाए जाते हैं, ठीक है। जैसे एक आपका रेवेन्यू डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है और प्राइमरी डेफिसिट होता है। ये डेफिसिट एक ही स्टेटमेंट में अलग अलग स्टेप बाय स्टेप दिखाए जाते हैं, हालांकि मैंने यहाँ पर इनको स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाया है, मैंने जैसे सिलेबस में लिखा हुआ है उस तरीके से मैंने आपको यहाँ पे शो किया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा एग्जांपल अभी करके दिखाता हूँ, एक एग्जांपल शो करता हूँ, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा कि इस तरीके से बजट स्टेटमेंट में हमारा डेफिसिट दिखाया जाता है। चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है, उस एग्जांपल से आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से बजट स्टेटमेंट में डेफिसिट स्टेप बाय स्टेप
शो किया जाता है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया, मान लीजिए कि हमारी कंट्री की इकनॉमी के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, बजट बनाने जा रही है। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले देखा कि हमें टैक्स से कितना पैसा आना है, कितना पैसा है जो एक साल के अंदर हमारा रिवेन्यू आना है टैक्स से, चाहे वो आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो चाहे टैक्स रेवेन्यू, कितना पैसा टैक्स से आना है। तो एस्टिमेशन लगाया गया कि 400 करोड़ रुपए हमारा टैक्स से आएगा। फिर गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लगाया कि कितना पैसा ऐसा है जो हमें अपने डिफेंस पे या हमें अपने एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्च करना है। जितने भी हमारे जो सरकारी मुलाजिम हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो रेलवे में काम करते हैं, जो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ठीक है, कितना पैसा ऐसा है जो हमें अपने एम्प्लॉयज़ के ऊपर खर्च करना है। तो मान लीजिए मैंने जस्ट एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल मैंने बिल्कुल सही लिया है, लेकिन मैंने एक लिमिटेड फॉर्म में लिया है। तो हमने देखा कि जो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू रिसीट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बेसिकली वो खर्चे होते हैं जो हमारे रिकरिंग नेचर के होते हैं। तो 500 करोड़ रुपए का खर्चा है जो हमें डिफेंस के ऊपर और हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके ऊपर खर्च करना है। तो हमारा टोटल जो खर्चा निकल के आ रहा है रिकरिंग नेचर का, वो हमारा 500 करोड़ का निकल के आ रहा है और 400 करोड़ की हमारी इनकम है। ये बात ध्यान रखना कि जो मैंने यहाँ पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिया है उसमें जो इंटरेस्ट की पेमेंट हम करते हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट भी पेमेंट होती है जो हमें हमारी बोरोइंग्स के ऊपर करनी होती है, जो हमने लोगों से कर्जा लिया होता है या इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाया होता है। तो आप ध्यान रखना इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में हम इंटरेस्ट को काउंट नहीं करेंगे। इंटरेस्ट की पेमेंट हम बेसिकली इसलिए यहाँ पर एक्सक्लूड करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, क्योंकि पहले हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स आई है, टैक्स का पैसा आया है, पहले हमें उनमें से जो हमारी जनरल एसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं डिफेंस की और एडमिनिस्ट्रेशन की, हमें उन खर्चों को पूरा करना होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे आप ले सकते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हो गया हमारा, रेलवे डिपार्टमेंट्स हो गया, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, हमारा जो फैक्ट्री ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होता है, तो हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है। तो इन खर्चों को पहले करना जरूरी है, फिर हम जो हमने बोरोइंग्स करी हैं फिर उस इंटरेस्ट को हम पे करते हैं, ठीक है। उसके बाद जब हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और में से जब रेवेन्यू रिसीट माइनस हो जाता है तो हमारा जो नेगेटिव बैलेंस आता है, जैसे यहाँ पर 100 करोड़ नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, तो हमारी बजट स्टेटमेंट का सबसे पहला डेफिसिट निकल के आता है रेवेन्यू डेफिसिट। अब जो रेवेन्यू डेफिसिट हमारा जो है उसको कवर किया जाएगा जो हमारे पास कैपिटल रिसिप्ट आएंगी। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है कि लोन की रिकवरी, जो हमने हमारी गवर्नमेंट ने जिनको लोन दिया होगा, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरीज को, या कहीं भी कैसे भी लोन दिया होगा, या आउटसाइडर गवर्नमेंट को लोन दिया होगा, तो जो हमारी लोन की रिकवरी होती है वो, प्लस हमने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट का जो हिस्सा किसी को बेचा होगा, मान लीजिए गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्री है और गवर्नमेंट ने अपनी इंडस्ट्री का आधा हिस्सा किसी प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं, और प्लस कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाया होगा, पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स कराई होंगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में पैसे जमा कराए होंगे, किसान विकास पत्र हो गया या आपका NSC हो गया, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। तो जितना भी पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से आएगा, लोन की रिकवरी से आएगा, लोगों की सेविंग से आएगा, उससे हम अपने रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट लिखा हुआ है, कैपिटल रिसिप्ट में मान के चलिए कि लोगों ने 200 करोड़ का, मैंने जैसे यहाँ पर कैपिटल रिसिप्ट का एग्जांपल लिया हुआ है, तो मान के चलिए कि 100 करोड़ की आपकी लोन की रिकवरी हुई है, 50 करोड़ की आपने अपनी जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट की उसमें से आधा हिस्सा गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को बेच दिया है, और 50 करोड़ का लोगों ने सेविंग कराई है। तो हमारा टोटल 200 करोड़ की रिसिप्ट आई है और 100 करोड़ का ऊपर से हमारा रेवेन्यू डेफिसिट चलता आ रहा है। अब उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करते हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर में ये होता है कि जितने भी डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जो हमें मशीनरी खरीदनी होती है, या हमने अगर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करने होते हैं, जो हमारे स्कूल्स को, जैसे हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल्स बनाती है, हॉस्पिटल बनाती है, डिफेंस के लिए जो टैंक्स खरीदती है या गन्स खरीदती है, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के लिए जो गाड़ियाँ खरीदी जाती हैं, या फिर जो फर्नीचर का काम कराया जाता है, बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं या कंप्यूटर्स खरीदे जाते हैं, उनके ऊपर जो खर्चा बैठ रहा है वो 300 करोड़ का बैठ रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि रेवेन्यू डेफिसिट ऊपर से चलता आ रहा था 100 करोड़ नेगेटिव, 300 करोड़ का खर्चा ये हो गया, टोटल 400 करोड़ का हमारा घाटा चल रहा है, और घाटे को कवर करने के लिए कैपिटल रिसिप्ट कितनी है, 200 करोड़ रुपए की। इसका मतलब हमारे पास 400 करोड़ का खर्चा चल रहा है ऊपर से नेगेटिव, 100 करोड़ का तो ऊपर से नेगेटिव था, 300 करोड़ का और नेगेटिव हो गया एक्सपेंडिचर, तो 400 करोड़ का टोटल मिला के हमारा खर्चा हो गया और 200 करोड़ की हमारी रिसिप्ट हो गई। तो हमारा 200 करोड़ नेगेटिव आ गया दोबारा से डेफिसिट, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट। 200 करोड़ का जो प्राइमरी डेफिसिट निकल के आया है, इसका मतलब ये है कि हमें 200 करोड़ रुपए की ज़रूरत है और अपने बजट को बैलेंस करने के लिए, अपने बजट को एक्सपेंडिचर को इनकम के बराबर लाने के लिए। तो यहाँ पर 200 करोड़ की प्राइमरी डेफिसिट में एक बात और याद रखना कि 200 करोड़ की जो प्राइमरी डेफिसिट है उसमें हमने अभी तक इंटरेस्ट की पेमेंट नहीं ली। इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट जो होता है उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट जो हमें अपने बोरोइंग्स के ऊपर करनी है, जो हमने लोन ले रखा है लोगों से या बाहर की कंट्री से या इंटरनेशनल बॉडी से, तो वो जो इंटरेस्ट की पेमेंट है वो हमारी एक्सक्लूड होती है प्राइमरी डेफिसिट में। प्राइमरी डेफिसिट में इंटरेस्ट नहीं आता है।
और साथ के साथ जो हमारी बोरोइंग्स हैं, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स, बोरोइंग को भी हमें एक्सक्लूड करना पड़ता है। किस में से? कैपिटल रिसिप्ट में से। मैंने आपको बजट रिसिप्ट वाला जो क्लास बताई थी, बजट रिसिप्ट के तीन एलिमेंट होते हैं, जो हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं। पहला एलिमेंट्स होता है आपका बोरोइंग, दूसरा एलिमेंट्स होता है आपका लोन, रिकवरी फ्रॉम लोन, लोन की जो हमारी रिकवरी होती है, और तीसरा एलिमेंट्स होता है अदर रिसिप्ट्स। अदर रिसिप्ट्स का मतलब होता है जिसमें हमारी डिसइन्वेस्टमेंट आती है और लोगों की जमा कराई गई जो सेविंग्स होती है, जो हमारी नेशनल सेविंग्स होती है, स्मॉल सेविंग्स जिनको बोलते हैं, वो आती है। तो कैपिटल रिसिप्ट का जो पहला एलिमेंट होता है बोरोइंग्स, वो बोरोइंग्स हालांकि एलिमेंट के तौर पर हम बच्चों को समझाते तो हैं, लेकिन बोरोइंग्स हम यूज़ तब करते हैं जब फाइनली हमें लास्ट में पता चलता है कि अल्टीमेटली अब हमें कितने पैसे की ज़रूरत है। अभी तो हमें क्या करना है, अभी तो इंटरेस्ट की पेमेंट भी हमें माइनस करके दिखानी है कि कितना इंटरेस्ट का हमारे ऊपर एक्सपेंडिचर है, वो भी माइनस करना है। तो इसीलिए जो बोरोइंग्स होती हैं, वो बोरोइंग्स फाइनली लास्ट में यूज़ की जाती हैं, जो हमें लोगों से और कर्जा लेना है अपने बजट को पूरा करने के लिए। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, जब रेवेन्यू डेफिसिट के बाद जब प्राइमरी डेफिसिट निकालते हैं तो दो चीज़ों को छोड़कर चलते हैं, एक तो बोरोइंग्स जो हमें फाइनली बजट को पूरा करने के लिए यूज़ करनी है, और इंटरेस्ट की पेमेंट जो हमें लास्ट में शो करनी है कि हमने कितना कर्जा ले रखा है और कितने कर्जे के ऊपर हमें जो हमारा डेब्ट है उसके ऊपर कितनी इंटरेस्ट की पेमेंट करनी है। तो प्राइमरी डेफिसिट निकालते समय तक हमें इंटरेस्ट को एक्सक्लूड करना है और जो कैपिटल रिसिप्ट का एलिमेंट होता है बोरोइंग उसको छोड़ना है। तो यहाँ पर 200 करोड़ की प्राइमरी डेफिसिट आ गई। प्राइमरी डेफिसिट के बाद अब हम क्या करेंगे, जो हमारी इंटरेस्ट की पेमेंट है वो हम इसमें जोड़ देंगे। तो इंटरेस्ट की पेमेंट मैंने ऊपर ही मेंशन कर दिया था, 50 करोड़ की इंटरेस्ट की पेमेंट है। तो जब हम 50 करोड़ की इंटरेस्ट की पेमेंट, जो हमारा एक्सपेंडिचर है, और ऊपर से जो हमारा एक्सपेंडिचर इनकम से ज़्यादा निकल के आ रहा है 200 करोड़ का, वो तो हमारा जो फाइनली लास्ट में टोटल घाटा निकल के आएगा, टोटल डेफिसिट निकल के आएगा, वो हमारा 250 करोड़ का निकल के आ रहा है, जिसको हम फिस्कल डेफिसिट बोलते हैं। फिस्कल डेफिसिट वो फाइनल डेफिसिट होता है जिसकी हमें ज़रूरत है अपने बजट को पूरा करने के लिए। एक वित्तीय वर्ष में, एक फाइनेंशियल ईयर में, गवर्नमेंट को एक पूरे फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे की ज़रूरत है आगे आने वाले अपने पूरे उस साल को बैलेंस करने के लिए, कि हमारे खर्चे हमारे पूरे हो जाएँ हमारी इनकम के बराबर। तो उसके लिए फिस्कल डेफिसिट के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, सोर्सेज का यूज़ करती है। सोर्सेज में हमारे दो होते हैं, दो तरीके होते हैं हमारे पास, दो रास्ते होते हैं अपने फिस्कल डेफिसिट को पूरा करने के लिए। एक होता है बोरोइंग्स और एक होता है आरबीआई। बोरोइंग्स में गवर्नमेंट क्या करती है, या तो फॉरेन कंट्री से लोन लेगी, या इंटरनेशनल मार्केट से पैसा उठाएगी, या लोगों से कर्जा लेगी। अगर हम बात करते हैं आरबीआई से, जो खुद की गवर्नमेंट की अपनी एक संस्था होती है, ठीक है, और आरबीआई से गवर्नमेंट क्या कहेगी कि आप नई करेंसी को प्रिंट करें, न्यू पेपर करेंसी प्रिंट करें और मार्केट में उसे लेकर आएँ। लेकिन जब नई करेंसी प्रिंट की जाएगी और जब वो मार्केट में आएगी, तो उससे एक नुकसान ये हो जाता है कि जब नई करेंसी मार्केट में प्रिंट होती है और लोगों के हाथों में वो पैसा पहुंचता है, तो उससे क्या होता है, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, और कहीं ना कहीं एग्रीगेट डिमांड जो होती है, टोटल डिमांड कंट्री की, वो बढ़ जाती है, जिसके मुकाबले सप्लाई नहीं बढ़ पाती, तो हमारी इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। तो ये ध्यान रखना, बोरोइंग के मुकाबले जब आरबीआई से गवर्नमेंट अपने कमी को पूरा कराती है, डेफिसिट को, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन की सिचुएशन भी क्रिएट कर सकती है। तो चलिए अब हम एक फेयर बजट स्टेटमेंट देखते हैं कि किस तरीके से गवर्नमेंट बजट तैयार करती है। अभी तो सिर्फ मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिया था रफली डायग्राम बना के। अब हम देखेंगे बजट स्टेटमेंट बनती कैसे है। जैसे मान लीजिए ये आपका बजट स्टेटमेंट है, फिस्कल ईयर उसके नीचे लिखा हुआ 1 अप्रैल 2013 to 31 मार्च 2014। ये पूरे 12 महीने का बजट है। प्लानिंग की जा रही है कि ऐसा ऐसा काम हम करेंगे जैसे जैसे इसमें हमने मेंशन किया है। जैसे पहला आपका हेड है रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट का मतलब होता है जो गवर्नमेंट की रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, जो लगातार गवर्नमेंट को पूरे साल रिसीव होती रहती है, वो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। रेवेन्यू रिसिप्ट के दो एलिमेंट होते हैं, एक आपका टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू वो होता है जो हमें टैक्स से पैसा मिलता है, जैसे आपका डायरेक्ट टैक्स जो हमें इनकम से मिलता है लोगों की, इनडायरेक्ट टैक्स जो हमें गुड्स और सर्विसेज से मिलता है। तो 200 करोड़ 300 करोड़ का टोटल मिला के 300 करोड़ की हमारी टैक्स रेवेन्यू है। नॉन टैक्स रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स के अलावा जो गवर्नमेंट को रिकरिंग नेचर की इनकम मिलती है, जैसे फीस हो गई, प्रॉफिट हो गया, जैसे किसी ने अपनी कंपनी खोलनी है या बिजनेस खोलना है, तो उसके लिए जो लाइसेंस होता है उसको जैसे हम फीस बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन के चार्जेस होते हैं, ठीक है, आपको अपना ड्राइविंग लाइसेंस के चार्जेस होते हैं, फीस होती है, प्रॉफिट हो गया, गवर्नमेंट ने किसी कंपनी में अपना, गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर यूनिट में पैसा लगाया हुआ है, गवर्नमेंट की जो इंडस्ट्री है उससे गवर्नमेंट को प्रॉफिट हुआ है, या गवर्नमेंट ने किसी की प्रॉपर्टी अपने नाम पर कर ली, अगर उस प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं मिल रहा है, जिसको हम एस्टेट्स बोलते हैं। तो देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू जो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं। यहाँ पर मैंने प्रॉफिट का अमाउंट नहीं लिखा है, वो 40 करोड़ है। तो अगर आप 40 फीस और 40 करोड़ के प्रॉफिट और 20 करोड़ की एस्टेट को मिलाकर टोटल गवर्नमेंट की नॉन टैक्स रेवेन्यू निकालोगे तो 100 करोड़ आ जाएगी। अगर मैं टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू को जोड़कर टोटल रेवेन्यू
स्क्रिप्ट निकालूँ तो 1400 करोड़ वो इनकम है जो गवर्नमेंट को इस साल रिसीव होनी है। इसके पैरेलल में गवर्नमेंट ने जो खर्चा करना है वो करना है डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो गवर्नमेंट का डिफेंस और एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है उसको, उसमें काम करने वाले जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो 350 करोड़ गवर्नमेंट ने एस्टिमेशन लगाया इस साल का। और उन्हीं डिपार्टमेंट में जिन लोगों को पेंशन जानी है, जो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, उनको जो पेंशन जाएगी वो तकरीबन 150 करोड़ की पेमेंट है। तो टोटल मिला के गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बैठ रहा है, रिकरिंग नेचर का खर्चा बैठ रहा है, वो 500 करोड़ रुपये का बैठ रहा है। तो 500 करोड़ रुपये का खर्चा और 400 करोड़ की इनकम, तो गवर्नमेंट को 100 करोड़ का घाटा हो रहा है। गवर्नमेंट को 100 करोड़ रुपये की कमी पड़ रही है, जिसे हम रेवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे चलते जाओगे तो उसके बाद फिर आपकी कैपिटल रिसिप्ट आएगी। कैपिटल रिसिप्ट का मतलब होता है जिसमें हमें जो हमारी लोन की रिकवरी होती है, जो हमने किसी को लोन दिया होता है वो लोन का पैसा हमारे पास वापस आता है, या हमने जो अपनी कंपनी, जो हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिट है गवर्नमेंट की, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें गवर्नमेंट जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन किसी को बेच देती है उसका कुछ हिस्सा बेच देती है, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं, जो आपके बी पॉइंट में दिया हुआ है। स्मॉल सेविंग्स का मतलब होता है वो सेविंग्स जो पब्लिक अपनी मर्जी से गवर्नमेंट की स्कीम्स में लगाती है, उसे हम स्मॉल सेविंग बोलते हैं। कैपिटल रिसिप्ट का एक एलिमेंट और होता है बोरिंग, जिसे हम यहाँ पर यूज़ नहीं करते, हम नीचे जाकर उसे यूज़ करते हैं बजट स्टेटमेंट में, जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना, कैपिटल रिसिप्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, रिकवरी फ्रॉम लोन, अदर रिसिप्ट्स और बोरिंग। बोरिंग को हम यहाँ पर नहीं लेते, वैसे लेते तो हैं लेकिन यहाँ पर ना लेकर उसे सबसे नीचे बजट, जब लास्ट में बजट आपका फाइनलाइज होता है तब उसे यूज़ करते हैं। तो रिकवरी फ्रॉम लोन, आपकी लोन की रिकवरी हो रही है 70 करोड़ की, और जो आपके डिसइन्वेस्टमेंट और स्मॉल सेविंग से पैसा आ रहा है वो 100 करोड़ 30 करोड़ आ रहा है। टोटल मिला के जो आपकी कैपिटल रिसिप्ट है वो 200 करोड़ की है। तो 200 करोड़ की रिसिप्ट से अगर मैं 100 करोड़ के रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करूँ तो फिर भी आपका 100 करोड़ रुपये पैसा बच जाता है आपके हाथों में। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर में हमारा आता है कि जो भी हम अपने कंट्री के लिए इक्विपमेंट्स परचेस करते हैं, डिफेंस के लिए मशीनरी, टैंक्स, गन्स वगैरह परचेस करते हैं, कंप्यूटर परचेस करते हैं, ये सारे हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब होता है वो खर्चा जो या तो आपकी लायबिलिटी को गिरा रहा हो या फिर आपकी असेट्स को बढ़ा रहा हो या लायबिलिटी को गिरा रहा हो, ठीक है, तो वो हमारा क्या कहलाता है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं तो आपकी एसेट्स बढ़ रही है, इक्विपमेंट आपके लिए एसेट्स का रोल प्ले करेगा। रीपेमेंट ऑफ लोन, आपकी लायबिलिटी कम हो रही है तो आपने लोन की रीपेमेंट करनी है 90 करोड़ की। डिफेंस के लिए इक्विपमेंट खरीदने हैं आपने 180 करोड़ के। आपने जो हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं उसमें दो तरह के खर्चे और भी होते हैं, एक प्लैंड एक्सपेंडिचर, एक नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर। हालांकि ये बात मैं आपको क्लास नंबर 30 पार्ट 2 में ऑलरेडी, जो आपके बजट एक्सपेंडिचर है वहाँ जाकर आप देख सकते हो, क्लास नंबर 30 पार्ट 2 वाला जो वीडियो है वहाँ पर मैंने प्लैंड और नॉन प्लैंड एक्सपेंडिचर के बारे में बताया था कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंडर में। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, कुछ हमारे खर्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट पहले से ही प्लान करके चलती है अपनी पंचवर्षीय योजना के अंदर। तो मान लीजिए स्कूल के ऊपर जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो खर्चा करना है गवर्नमेंट को इस साल, वो 30 करोड़ रुपए का है। गवर्नमेंट नए नए स्कूल्स बनाने जा रही है अंडर द प्लान एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट का 5 ईयर्स प्लान होता है। तो टोटल मिला के जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होना है वो आपका होना है 300 करोड़ रुपए का। तो ऊपर से अगर आप देखते चलें कि 100 करोड़ का तो रेवेन्यू डेफिसिट था, फिर उसके बाद 200 करोड़ की कैपिटल रिसिप्ट आई, आपका बच गया 100 करोड़ रुपए, फिर 300 करोड़ का खर्चा हो गया, तो नेट आपका 200 करोड़ रुपए नेगेटिव में जा रहा है। मतलब आप गवर्नमेंट घाटे में जा रही है, मतलब गवर्नमेंट को 200 करोड़ रुपए की और जरूरत है अपने खर्चों को इनकम के बराबर करने के लिए, लेकिन अभी गवर्नमेंट के पास पैसा है नहीं। तो जब हम नीचे कैपिटल एक्सपेंडिचर माइनस करने के बाद फाइनली नीचे आते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आता है। प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जिसमें से हमने अभी तक जो गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट पे करना है वो नहीं लिया हमने। गवर्नमेंट ने जो लोन लिया होता है पिछले कुछ सालों में, उसका जो इंटरेस्ट जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरेस्ट पे होता है, वो हमने अभी नहीं लिया। तो आप ये कह सकते हो कि प्राइमरी डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जिसमें से अभी तक हमने इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस नहीं की है। तो अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट की पेमेंट को माइनस करेंगे। मान लीजिए इंटरेस्ट की पेमेंट जो है वो आपकी 50 करोड़ रुपीज़ की है, तो 50 करोड़ जब आप माइनस करोगे प्राइमरी डेफिसिट में, तो प्राइमरी डेफिसिट आपका और बढ़ जाएगा जो फिस्कल डेफिसिट का रूप ले लेगा। तो फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा आपका 250 करोड़। फिस्कल डेफिसिट वो डेफिसिट होता है जो पूरे साल का वो घाटा होता है जो गवर्नमेंट को कमी पड़ती है अपने बढ़ते हुए खर्चों को इनकम के मुकाबले। तो फिस्कल डेफिसिट आपका फाइनल डेफिसिट होता है जिसकी गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है अपने बजट को पूरा करने के लिए। फिस्कल डेफिसिट का अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला क्या है कि जितनी भी आपकी रिसिप्ट हैं, चाहे वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो चाहे कैपिटल रिसिप्ट हो, उनको प्लस कर दो, और जितना भी आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट की पेमेंट है उसे प्लस कर दो, तो आपका टोटल रेवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर आ जाएगा। तो टोटल रेवेन्यू में से जब टोटल एक्सपेंडिचर माइनस करोगे तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा।
तो फिस्कल डेफिसिट आ रहा है 250 करोड़ रुपए। इसका मतलब आपको इस साल में फिस्कल डेफिसिट एक साल का होता है, तो इस साल में आपको 250 करोड़ रुपए की कमी पड़ रही है, जिसे गवर्नमेंट कहाँ से पूरा कर सकती है? या तो गवर्नमेंट बाहर की किसी इंटरनेशनल गवर्नमेंट से पैसा उधार लेगी, या जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फंड प्रोवाइड करती हैं, इंटरनेशनल गवर्नमेंट या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल गवर्नमेंट का जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया यूएसए, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड बैंक आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ले सकते हो, और उसके अलावा हमारी खुद की जो फाइनेंसिंग कंपनी है आरबीआई सेंट्रल बैंक, उससे भी आप पैसा ले सकते हो। और आरबीआई से आप पैसा कैसे लोगे? उसे रिक्वेस्ट करके कि वो नई करेंसी प्रिंट करे। तो टोटल मिला के जो फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें पैसा चाहिए, वो गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि 100 करोड़ हम यूएसए से लेंगे, अमेरिका से 80 करोड़ रुपए हम वर्ल्ड बैंक से लेंगे, और 70 करोड़ की नई करंटी हम प्रिंट करेंगे। तो जैसे ही 250 करोड़ रुपए रेंज हो जाएंगे तो हमारा घाटा जो है वो कवर हो जाएगा, मतलब हमारे एक्सपेंडिचर हमारी इनकम के बराबर पहुंच जाएंगे और हमारा बजट बैलेंस हो जाएगा। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर छोटा सा हिंट और दे रखा है कि सबसे पहले जब भी बजट बनाया जाता है तो बजट में सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट निकलता है, फिर आपका प्राइमरी डेफिसिट निकलता है, फिर आपका फिस्कल डेफिसिट निकलता है। जब प्राइमरी डेफिसिट निकलेगा तो यार ध्यान रखना कि आपने प्राइमरी डेफिसिट तक पहुंचते समय इंटरेस्ट को नहीं लेना। जब आप इंटरेस्ट को प्राइमरी डेफिसिट के बाद लोगे तब आपका फिस्कल डेफिसिट निकला, फिस्कल डेफिसिट निकलेगा। इसका मतलब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है कि प्राइमरी डेफिसिट निकलने के बाद जब उसमें से इंटरेस्ट की पेमेंट माइनस हो जाती है तब आपका फिस्कल डेफिसिट आता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट निकालने के बाद भी एक बात ध्यान रखनी कि फिस्कल डेफिसिट में आपने उससे फिस्कल डेफिसिट निकालते समय उससे पहले आपने बोरोइंग्स नहीं लेनी, बोरोइंग्स आपने बाद में लेनी है जब फिस्कल डेफिसिट निकल जाएगा। क्योंकि फिस्कल डेफिसिट हमें बताता है कि अल्टीमेटली गवर्नमेंट को इस साल कितना कर्जा लेना है अपने बजट को पूरा करने के लिए। तो ये था आपका बजट का एक छोटा सा रूप जो मैंने आपको बताया। मैं वीडियो को थोड़ा रोटेट कर रहा हूँ तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी बजट स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट बजट बनाती है। तो ये था आपकी बजट स्टेटमेंट। तो ये था आपका आज का टॉपिक क्लास नंबर 31 पार्ट 1, जिसमें हमने पढ़ा डेफिसिट के बारे में। हालांकि मैंने टॉपिक में ऊपर लिखा हुआ है मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डेफिसिट, मैंने यहाँ पर मेजर्स के बारे में आज आपको नहीं बताया, वो मेजर्स के बारे में हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 31 पार्ट 2 में, इसी का जो पार्ट 2 होगा। आज हमने सिर्फ डेफिसिट के टाइप्स पढ़े हैं कि डेफिसिट क्या होता है, किस तरीके से निकाला जाता है और डेफिसिट के कितने टाइप्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर नीचे देखिए मेंशन भी कर रखा है बजट डेफिसिट कितने तरह का होता है। एक रेवेन्यू डेफिसिट जब आपकी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज़्यादा होती है, एक फिस्कल डेफिसिट जब आपका टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट से ज़्यादा हो जाता है, और एक प्राइमरी डेफिसिट जब आपके फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट को एक्सक्लूड कर देते हैं तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आ जाता है। और अगर आपको फिस्कल डेफिसिट निकालना है और प्राइमरी डेफिसिट दिया हुआ है तो इंटरेस्ट की पेमेंट प्राइमरी डेफिसिट में जोड़ दो, जैसा कि मैंने अभी आपको स्टेटमेंट दिखाई थी, तो आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाएगा। तो पहले जब भी बजट स्टेटमेंट बनाई जाती है तो उसमें रेवेन्यू डेफिसिट आता है, फिर प्राइमरी डेफिसिट आता है, फिर उसमें इंटरेस्ट की पेमेंट जोड़ के आपका फिस्कल डेफिसिट आ जाता है। तो आज की क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में पढ़ा है? डेफिसिट के टाइप्स के बारे में। थैंक यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।